व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। यशोदा मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर आया अभी, उस पर रिएक्ट करने वाले स्टारिंग समंथा और वरलक्ष्मी शरत कुमार। तो टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है और एक दो लोगों की कमेंट में देखी, जैसे अभी मैं वीडियो अभी एडिट कर रहा था कि इस पर, तो मैं चेक कर अभी अभी ट्रेलर आया तो इसको रिएक्ट करते हैं, देखते क्या कुछ पता लगता है मूवी से। यशोदा तो कृष्ण जी की मम्मी थी ना जिन्होंने पाला था, जिस माँ के गर्भ में बच्चा होता है वही उसे सुन सकती है। लोरी सुन लो मेरे मुन्नी, निंदिया देखो आई, पन्ने में नन्ही झूले अम्मा लोरी गाई। वेलकम टू ईवा। देखो जब तुम इस बच्चे को जन्म दोगी ये किसी बिग शॉट के घर जाएगा। किसी बिग शॉट के घर जाएगा। होने वाले बच्चे को स्वस्थ रखने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ये वो है क्या? शादी हो गई। अपनी पसंद के लड़के को ढूंढ रही हूँ। शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर, शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी, ये सब सरोगेट पेरेंट्स हैं। सब कुछ अजीब सा लग रहा है यशोदा। काजल को भी बस चक्कर ही आते थे। बेचारी लड़की, पता नहीं कहाँ होगी वो। नहीं, यहाँ क्या हो रहा है पता? तुम्हें पैसों की जरूरत है, उनको बच्चे की जरूरत है। हाल ही में ये दिल्ली में हुआ और कल हमारी गलियों में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर लूंगा। इट्स अ प्लान्ड मर्डर। दुनिया की अलग अलग जगहों से सेम पैटर्न में विजिट करने वाली 122 महिलाओं की लिस्ट सामने आई है। दे आर ऑल सुपर रिच वुमेन। हिम्मत है तो सामने आ। यशोदा कौन है पता है ना? साक्षात कृष्ण भगवान को पालने वाली माँ। यशोदा 11 नवंबर को आ जाएगी मूवी। बढ़िया, इंटरेस्टिंग, फास्ट पेस्ड और इंटरेस्टिंग, एक थ्रिलिंग वाइब जो कनेक्ट फील कराया ना अभी तक ट्रेलर ने। अभी कुछ ऐसा भी आया ना, बैन है शायद इंडिया में, कुछ ऐसा है, कुछ क्लॉज उसमें ऐसे डाले हैं, ठीक है, बहुत सारे वो गए, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं आज भी, इलीगली सरोगेसी वो कर रहे हैं। तो उस पे ना अभी एक वो भी आया था काफ़ी बड़ा आर्टिकल कि किसी बड़े, मुझे नाम याद नहीं है, किसी बड़े उसने भी किया है, तो कोर्ट ने उसको भी नोटिस भेजा है कि अभी कुछ चीजें हैं जिनके वजह से अभी हाल फिलहाल सरोगेसी रोकी है। हाँ, मतलब अलाउ नहीं है, कुछ ऐसा है पता, या कुछ होते होंगे कुछ फॉर्मेलिटी जो पूरी करने, लेकिन लोग क्या करते हैं समझ रहे हैं कि करा लेते हैं फिर भी इलीगली, या जैसे कि ना पता चले। लेकिन इसमें ये चीज है कि उन पैसे की जरूरत थी जो कैरेक्टर समानता प्ले कर रही है, और फिर वो जाती है लेकिन वहां पर कुछ अलग ही बवाल चल रहा है, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे कॉर्पोरेट काइंड ऑफ ऑफिस बनाया हुआ है वहां पर, कहना कि हेल्दी बच्चा होगा उसको हम पालेंगे, और मतलब उसको मेरे को लगता है कि एक एज होने के बाद ही वो आगे देते होंगे शायद से, कुछ टाइम बाद ही जब वो हेल्दी होगा पूरा अच्छे नरिश करके, बाकी कुछ इसमें कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही है मेरे को लगता है। और ये बाद में फिर ये बदला लेते हैं, दिखाया ना सबका पैटर्न एक ही मर्डर का दिखाते हैं ना इसको मारते हुए, बाद में कुछ ऐसा तो नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला तो नहीं शायद, एक तो समान था, ऊपर से फिर वो जो उसका एक्शन फाइट सीन इंटरेस्टिंग है उसमें, समानता का नो डाउट हमने उसमें, अरे वो टीवी शो आया था या मूवी थी, नाम था उसमें राजी, नाम तो वो फैमिली मैन राजी कैरेक्टर का नाम था उसमें, इंटरेस्टिंग लग रहा है। और किस तरीके से पॉलिटिकली भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, प्लस वो एक एंगल दिखाया ना कि 122 महिलाएं वो अमीर आई है, तो वो लोग आती होंगी सरोगेसी के लिए बाहर से आती होंगी, यहाँ से बच्चा लेके चली जाती होंगी, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा सीन, लेकिन कुछ अलग से भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। बता नहीं बच्चा कहाँ गया, वो भी बिचारी ऐसे गई थी, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे हिसाब से इसके अंदर, स्मोक सा आ रहा था रूम में अजीब, कुछ स्टेरॉइड्स पे रखते हैं या कुछ ना कुछ लफड़ा तो है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होगी या कुछ गलत काम हो रहा है उस, बहुत ही मतलब अच्छा ट्रेलर, ये थोड़े सस्पेंस में छोड़ने वाले ट्रेलर, इंटरेस्टिंग लगते हैं मेरे को। बाकी
मूवी नवंबर में आ रही है और ये थोड़ा ग्रिपिंग लगा मेरे को ट्रेलर, ऐसा ट्रेलर ना आपको ये वो करते सोचने में क्या हो सकता है क्या कुछ हो, बाकी इंटरेस्टिंग तरीके से शूट था। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना बोले। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।